खबर सारण बिहार से, जहां आजमनौर थाना क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत स्थित पकड़ीडीह गांव निवासी ललन राय के 15 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार, जो कि 9 में पढ़ता था, उसकी बिजली करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वह शौचालय करने खेत में गया था, तभी एक बिजली के खंभे के बगल से गुजरने के दौरान उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने से चपेट में आ गया, जिसमें 15 वर्षीय अभिषेक कुमार की मौत हो गई। उसके दाएं और बाएं पैरों पर काफी गंभीर जलने के निशान बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार वालों को मिली, आनन फानन में उसे तुरंत घर पर लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अपने पुत्र को मृत अवस्था में देख माँ एवं बहन का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद देखने वालों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी आरजेडी जिला अध्यक्ष अनिल राय को होने पर वह घटनास्थल पहुंचे, जबकि पूर्व मुखिया संतोष राय, आरजेडी नेता संतोष गुप्ता, पूर्व मुखिया लाल बाबू राय, वर्तमान सरपंच भरत राय घटनास्थल पर पहुंच परिवार वालों को सांत्वना देते नजर आए। वहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आसपास के खेतों में बांस के पेड़ में आग लग गई। इस घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस के थोड़े विलंब से आने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं जांच अभिकर्ता अमनौर थाने से एएसआई विनोद कुमार घटनास्थल पर पहुंच कागजी कार्रवाई में लग गए। घटना को लेकर मृत हुए अभिषेक कुमार के पिता ललन राय ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? ललन राय। कहाँ घर है आपका? पकड़ी। जो बच्चे की मौत हुई उसके क्या नाम है? अभिषेक कुमार। उम्र? उम्र यही 14-15 होगा। चौदह। कैसे उसकी मौत हो गई? अब वो लड़का पढ़ कर आया, कपड़ा खुला, खाना खाया, खाना खा के और मैदान आया कैसे, तब खबर गया कि पोल में सटा गया था, तो लाइट मार दिया। प्रशासन को इसकी सूचना आप लोग किए हैं? प्रशासन के सूचना गई है। क्या आप लोग की मांग है प्रशासन से? क्या मांग है बिजली विभाग से? क्या मांग है प्रशासन से? मतलब जो अब मुआवजा जो होता है वो दे, हमको दे ही मांग है।